यूपी में कल नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। कल तमाम प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटिका में बंद हो जाएगी। उसके बाद तमाम प्रत्याशियों को खाली एक ही दिन का इंतज़ार है, वो है 13 मई, क्योंकि 13 मई को परिणाम आना है। वहीं इसको लेकर के मेरठ से बसपा प्रत्याशी हशमत मलिक के बेटे ने जनता से वोट की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय वोट के माध्यम से जनता को क्या संदेश दिया, आप खुद ही सुनिए। मेरा नाम हशमत मलिक है, मैं हशमत मलिक का बेटा हूँ। मैं अपील करता हूँ सभी भाइयों से, मेरे पापा को वोट देने की सब कृपा करें। जितना भी 90 वार्ड है उनके सबका विकास होगा। वार्ड नंबर 6 हमारा वार्ड है, उसमें बहुत बड़े हमारे मेरे पापा ने बहुत बड़ा विकास किया है, और 90 के 90 वार्डों में इंशाल्लाह ऐसे ही विकास होगा। ये नारे लगा इस तरह से बसपा जो है, बसपा कैंडिडेट हैं, पूरी तरह से शहर में उनको सपोर्ट मिल रहा है। हाथी को चुनाव निशान है, थोड़ा सा आप हाथी चुनाव निशान के बारे में बोलते हैं। हाथी के ऊपर मोर लगानी है हमें सबको, नारायण जी को दिखा जिताना है और सबको ये दिखाना है आज हाथी है सबसे बड़ा। धन्यवाद।